दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह सिक्योरिटी के बारे में एक्स्ट्रा कॉन्शियस हैं और चाहते हैं कि कोई भी आपके कंप्यूटर से सेंसिटिव डेटा या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हैक ना कर सके, तो आप भी मेरी तरह अपने कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट्स को डिसेबल कर दें। डोंट वरी, बाद में आप किसी भी वक्त इनको रीएनेबल कर सकते हैं। अपने यूएसबी पोर्ट्स को डिसेबल करने के लिए अपने कीबोर्ड से विंडो की प्लस आर की को एक साथ दबाएं और सर्च बार में REGEDIT की कमांड को टाइप करें, या अगर आप विंडो 10 के यूजर हैं तो विंडो 10 की सर्च बार में REGEDIT की कमांड को टाइप करें और इंटर को प्रेस कर दें। इसके बाद आपने H की लोकल मशीन के साथ वाले एरो पे क्लिक करके उसे एक्सपेंड कर लेना है। इसके बाद आपने सिस्टम पे आना है और उसके साथ वाले एरो पे क्लिक करके उसे भी एक्सपेंड कर लेना है। इसके बाद आपने करंट कंट्रोल सेट पे आना है और उसके साथ वाले एरो पे क्लिक करके उसे भी एक्सपेंड कर लें। इसके बाद आपने सर्विसेज के साथ वाले एरो पे क्लिक कर दें और आखिर में नीचे की तरफ आकर यूएसबी स्टोर को सर्च करके उस पे क्लिक कर दें। अब आपने राइट हैंड साइड पे स्टार्ट पे डबल क्लिक या राइट क्लिक करके मॉडिफाई को चूज कर लेना है और यहाँ पे इसकी वैल्यू इस 3 की जगह 4 टाइप करके ओके कर दें। अब आप इस विंडो को क्लोज कर दें। अब अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी शख्स यूएसबी फ्लैश ड्राइव या हार्ड ड्राइव लगाएगा तो आपका कंप्यूटर उसको रीड नहीं कर सकेगा और आपका कीमती डेटा और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कोई कॉपी नहीं कर पाएगा और ना ही इसमें किसी किस्म का यूएसबी वायरस मुंतकिल कर पाएगा। अब जब आपने खुद यूएसबी पोर्ट्स यूज करनी हो तो एक बार फिर पहले वाले प्रोसेस को रिपीट करें, यानी विंडो प्लस आर या सर्च बार में REGEDIT की कमांड को टाइप करें। इसके बाद H की लोकल मशीन पे जाएं, फिर सिस्टम पे, फिर करंट कंट्रोल सेट पे, फिर सर्विसेज और आखिर में यूएसबी स्टोर को सर्च करके उस पे क्लिक कर दें और राइट हैंड साइड पे स्टार्ट पे डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू इस दफा 4 की जगह दोबारा 3 कर दें। ओके को प्रेस करें और इस विंडो को क्लोज कर दें। लीजिए, आपका कंप्यूटर दोबारा किसी भी यूएसबी डिवाइस को रीड करने के काबिल हो गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।